अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अचारी बैंगन और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हाफ कप से थोड़ा कम है। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए, प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट। मैंने एक पूरा मीडियम साइज का गार्लिक बल्ब लिया और आधा इंच अदरक लिया था और 2 हरी मिर्च। इन तीनों को मैंने पीस कर पेस्ट जैसा बनाया। 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं ताकि मसाले जले नहीं। फ्लेम मेरा मीडियम हाई है, मैंने 1 मिनट मसाले को भूना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं डालूँगी 1 कप टमाटो प्यूरी है। मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को अच्छे से धोकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब इन सबको एक साथ हमें कवर करके भूनना है। 5 मिनट जैसा हमने मसालों को अच्छे से भूना। देखिए, तेल हमारा साइडों पे नजर आ रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी, ये मेरे पास 500 ग्राम के करीब बैगन है, मैंने इसे इस तरह से लंबाई में काट लिया है। 1/2 kg बैगन है ये, मैं इसको डाल देती हूँ। मैंने छिलके समेत काटा है इसको। चला लीजिए अच्छे से, हम इसे कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक करते हैं। हमने सिर्फ इसे ढककर 5 से 6 मिनट सिर्फ भूना है। मसाले और बैगन के साथ मिलकर अच्छे से भून गए। अब इस पॉइंट पे मैं 1/2 कप के करीब पानी डालूंगी, 1/2 कप के करीब। चला लीजिए अच्छे से। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी, हमें इसे प्रेशर कुक करना है सिर्फ 2 विसल तक। पहली विसिल हमारी तेज फ्लेम पे लगेगी, जैसे ही फर्स्ट विसिल आ जाएगी दूसरी विसिल हम मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे ताकि बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। फ्लेम हमारी हाई है, फर्स्ट विसिल का वेट करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना है। फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ। अब मैं इस पर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू हैं, मिला लेंगे। थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ मैं, अच्छे से चला लीजिए। अब इसी पॉइंट पे मैं अचार का मसाला डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून आम का अचार लिया है और 3 टीस्पून मैंने लिया है पचरंगा अचार, जिसे कहते हैं मिक्स्ड पिकल। मैंने पीसेस के साथ लिए हैं, मसाले भी लिए हैं पीसेस, थोड़ा ऑयल भी है। टोटल अचार का मसाला 4 टीस्पून ले रही हूँ मैं। इन सबको डाल देती हूँ, चला लीजिए। अब हम इसे कुक करेंगे ढककर आलू के सॉफ्ट होने तक। आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, चला लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, चला लीजिए।
मैं जब भी अचारी बैंगन बनाती हूँ मैं हरा धनिया नहीं डालती हूँ, मैं कसूरी मेथी ही डालती हूँ। सिर्फ एक मिनट इसे बिल्कुल सिम पे रखेंगे हम, ताकि उसकी खुशबू अच्छे से सालन में चली जाए। एक मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार के मसाले की, कसूरी मेथी की। अब मैं इसे डिश आउट कर देती हूँ। देखिए हमारी अचारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी है, आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट से बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे ज़रूरी मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।